वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। रघुपति राघव राजा राम, जी हां, राजा राम, रघु और राघव अपने अयोध्या की नगरी में भव्य दिव्य नव्य मंदिर में अब पधार गए हैं, वहां पर उन विराजमान हो गए हैं। पूरा देश इस वक्त उत्साहित है और हम सब इस पल के साक्षी बने हैं। इस पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ साध्वी गुरुजी ममता जी महाराज जुड़ गई है जो महामंडलेश्वर है। इसी के साथ राघवेंद्र हमारे स्टेट हेड जुड़ गए हैं। ज्ञानेंद्र हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ममता महाराज जी आपके पास आते हुए, आज पूरा देश उत्साहित है, हर कोई अपने भाव में विभोर है, आप किस तरीके से उत्साहित है, आप क्या महसूस कर रही है, सबसे पहले ये जानते हैं। उनकी आवाज नहीं मिल पा रही है, लौटूंगी उनके पास। राघवेंद्र भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं अयोध्या से। राघवेंद्र आपके पास आते हुए, पूरा देश इस वक्त उत्साहित है, आप अयोध्या में मौजूद हैं, अयोध्या में इस वक्त किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है, कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, बताइए और तस्वीरें भी दिखाइए। अगर राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ है तो वो इतना भावुक है कि उसे अगर कुछ पूछिए कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं या कुछ कहिए तो वो निःशब्द है। कहीं ना कहीं भावनाओं को लेकर आह्लादित है, उसकी आंखें नम है और वो यही कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक ऐसा क्षण जो अकल्पनीय था, कहीं ना कहीं से एक असंभव सा था, लेकिन केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद, राज्य में योगी सरकार बनने के बाद इस तरह की पैरवी हुई कोर्ट में अपने एविडेंस रखे गए कि हमें ये जीत मिली और ये सनातन की जीत के रूप में कहीं न कहीं से पूरी जनता देख रही है और जो श्रद्धालु आए हैं वो भी इसको एक सनातन की जीत में और प्रभु श्री राम का जो मंदिर है उसे देखने की जो एक लालसा है कि वीआईपी मूवमेंट जितना जल्दी यहाँ से खत्म हो, वो प्रभु श्री रामलला का अगर आज दर्शन न करते हैं तो कम से कम उस मंदिर को जरूर देख रहे हैं कि किस तरह का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पूरा माहौल राममय है। अगर तस्वीरों की बात करें तो इस समय हम मीडिया सेंटर में, तो ये जो पूरी पत्रकार बिरादरी है देश विदेश से जो आई हुई है वो यहाँ पे है और यहाँ से अपने काम कर रही है। और अभी वीआईपी मूवमेंट खत्म होने के बाद ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि इन पत्रकारों को भी राम मंदिर का दर्शन कराया जाएगा। पूरी जनता यहाँ के राममय है। जगह जगह चौराहे पे 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे कहीं ना कहीं से नुक्कड़ नाटक सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और लोग उसे देख रहे हैं। बैरिकेडिंग के बाहर लोगों का छाता लगा हुआ है और इन सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखते हुए पाए जाते हैं और इससे इनकार नहीं किया जा सकता दिव्या कि इससे बड़ा भाव छोड़ और हो क्या सकता है कि जो टेंट में प्रभु श्री राम लला जाते थे आज दिव्य अपने राजमहल में विराजे हैं। आज उनके प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। कहीं न कहीं 500 साल का जो एक लंबा इंतजार रहा है जिसमें कितनी पीढ़ियां आई और चली गई और अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को जोड़ा था कि हमारी पीढ़ी वो सौभाग्यशाली पीढ़ियों में से है जिनको प्रभु श्री रामलला का कार्य करने के लिए सौंपा गया और हमने उसे अंजाम तक पहुंचाया और आज प्रभु श्री राम का राम मंदिर बनकर, रामलला का जो मंदिर है बनकर तैयार है और आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ और ये नए भारत का उदय है। कहीं ना कहीं से ये हमारी सनातन की जीत है और जनता के आशीर्वाद से ये हमें मिला है। जी, सनातन की जीत है और सनातन की जीत पर हम खूबसूरत तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं। लौटूंगी आपके पास राघवेंद्र। हमारे साथ महंत विश्व मोहनदास महाराज जी भी जुड़ गए हैं जनकपुर हनुमानगढ़ी से। महाराज जी स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। जय जय सीता। जी, आज पूरा देश उत्साहित है, अलग अलग जगहों से अलग अलग खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिल रही है, हर कोई भाव विभोर होता नजर आ रहा है, आप कितने उत्साहित है, आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, सबसे पहले बताइए फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज तो हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत खुशी की बात है जी। और क्योंकि हम लोग राम जी के ससुराल मिथिला में है, बिहार में, तो हम लोग मिथिला वासी हैं, तो वहां से बाहर भी लेके आए थे और खुशी मतलब पूरे भारत वर्ष ही नहीं पूरे विश्व में जो है जी। आज दिन जो है बहुत खुशी की माहौल है और राम राज जो है आज 22 जनवरी को जो है स्थापना जो हुआ है, आज मोदी जी योगी जी जो किए हैं रामराज का स्थापना जी। मतलब हम लोग मिथिलांचल के वासी मैंने उम्मीद छोड़े हुए थे जो हमारे रामलला का भी अयोध्या में घर बनेगा, ये उम्मीद हम लोग छोड़ चुके थे। हम लोग के कितने पीढ़ी बहुत पहले जो है वो
ये सोचकर भी नहीं कुछ कर पाए और ऊपर भी चले गए, स्वर्ग सिधार गए वो लोग। लेकिन आज हम लोग को बहुत खुशी हो रही है जब 500 वर्ष के बाद रामलला अपने नए मंदिर में जो स्थापना जो किया गया है, इससे पूरा मिथिलावासी, पूरा जनकपुर जो है, सभी लोग में बहुत खुशी का माहौल बना हुआ है। और आज हम लोग अपने आंख से जो देखे हैं रामलला का, तो इस बहुत ज्यादा हम लोग को खुशी मिल रही है। और चाहेंगे योगी जी से, मोदी जी से, जो 22 जनवरी को जो है राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कर दे, जिससे हमारे पूरे हिंदुस्तान के जितने भी हिंदू भाई बहन हैं अपने बाल बच्चा के साथ जो है घर पर छुट्टी मनावे। और दीपावली के रूप में जब 14 वर्ष के बाद राम जी जब वनवास से आए थे, तो दीपावली उत्सव मनाना शुरू लोग कर दिए थे। महाराज जी यही जी महाराज जी इसी बीच में ये भी समझना चाहूंगी कि छुट्टी घोषित कर दे या राम उत्सव घोषित कर दे। अगर राम उत्सव भी अगर कर दे तो बहुत अच्छी बात रहेगी जी, लेकिन इसको राष्ट्रीय छुट्टी जरूर घोषित, मतलब उत्सव मनाने के राष्ट्रीय महापर्व जो है, इसमें हम चाहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे, हम लोग पूरे मिथिलावासी, पूरे सनातन धर्म के तरफ से, जो राम जी हमारे 14 वर्ष के बाद जब वन से आए थे तो उस समय दीपावली उत्सव मनाना शुरू हो गया, जिसको राष्ट्रीय छुट्टी में भी घोषित कर दिया गया। इस 22 जनवरी को भी जो है राष्ट्रीय छुट्टी जो है घोषित कर दे, हमारे जो भी हिंदू भाई हैं, माता बहनों हैं, अपने घर पर रहकर दीप प्रज्वलित करके और अपने रामलला महाराज जी, यानी कि आपके कहने का अर्थ है चाहे उसे रामोत्सव का नाम दिया जाए या दीपावली का नाम दिया जाए, लेकिन इस दिन को राष्ट्रीय छुट्टी के रूप में घोषित करे, ताकि हर कोई अपने घर पे रह के दीप जलाए और इस दिन को याद करे और मनाए। हाँ, तो इसके लिए तो जब तक अगर छुट्टी नहीं, अगर राष्ट्रीय, अगर इसको पर्व नहीं अगर माना जाएगा जी, तो फिर हमारे सनातन प्रेमी जो है, बहुत लोग हैं सर्विस में हैं, बहुत लोग इधर उधर नौकरी में हैं, तो वो लोग आ नहीं पाएंगे, तो अपने बाल बच्चा के साथ उत्सव नहीं मना पाएंगे। आज हमारे सनातन धर्म का ये स्थिति हो गया है जी, जो अगर राम जी का दो पीढ़ी उनके बाद जो किसी हमारे बच्चे से पूछिएगा उनके दादाजी का क्या नाम है, परदादा जी का क्या नाम है, तो हमारे बच्चे नहीं बता पाएंगे। वही आप अकबर के बारे में, बीरबल के बारे में पूछिए, तो 10 पीढ़ी तक जो है लोग बताना शुरू कर देते हैं। तो हम तो माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे जो इसको राष्ट्रीय छुट्टी घोषित कर दे, और साथ हरेक स्कूल में रामायण का क्लास जो है 1 घंटी जो है करवावे, जिससे हमारे बच्चे जो है रामायण के बारे में जाने, राम जी के बारे में जाने। हम लोग को रामायण में सब कुछ लिखा हुआ, क्या होने वाला है, क्या होगा, तो इसके बारे में जो है, तो रामायण का क्लास जो है मैं चाहूंगा जो 1 बार, मतलब 1 घंटे हरेक स्कूल में इसका व्यवस्था सरकारी होना चाहिए, जिस तरह से मुसलमान लोग के लिए है मदरसा में जो है उस सबको सिखलाया जाता है, सिर्फ उस सबका ही हज के बारे में, सबका विषय के बारे में, तो उसी तरह हमारे सनातन प्रेमी को जो है रामायण का जो है 1 घंटे हरेक में होना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम में रामायण को जोड़ा जाए, ताकि लोगों को, आने वाली पीढ़ी को ज्यादा से ज्यादा अपने रामायण के बारे में पता हो। चलिए लौटूंगी आपके पास, हमारे साथ डॉक्टर बीसी शास्त्री जो ज्योतिषाचार्य है वो भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका ज्योतिषाचार्य जी, हमारे साथ साध्वी प्राची अधिकारी भी लगातार जुड़ी हुई है। साध्वी, आपके पास आते हुए पूरा देश इस वक्त उत्साहित है, आप भी उत्साहित है, हम भी उत्साहित है, आप किस तरीके से उत्साहित है सबसे पहले आप अपनी भावनाओं को बताए। देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, वर्षों का इंतजार खत्म हुआ है, और अभी जैसे साधु महाराज कह रहे थे
कि हमें अपने भी शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए बच्चों को, लेकिन मुझे ये चीज गलत लगती है कि हम किसी से कंपैरिजन ना करें, क्योंकि हम हमें ये शर्मिंदगी होनी चाहिए कि आज तक हमने अपने स्कूलों में ये पाठ्यक्रम नहीं रखा और वामपंथी इतिहासकारों के इतिहास को दिखाया और उनको उसको पढ़ाया गया, जिससे बच्चे जो थे राम को, क्या हम अपने पूर्वज को काल्पनिक कहते हैं? नहीं कहते। ये जी चेष्टा हमारे शत्रुओं ने जो करी कि हमारे जो पूर्वज थे उनको काल्पनिक कहा, यानी कि मैथोलॉजिकल, और हम बड़े शानो शौकत से कहते हैं ये मैथोलॉजिकल सीरियल आ रहा है। हम ये हम जब अपने दादा परदादा को मैथोलॉजिकल करेक्टर नहीं कहते, तो हम श्री राम को या इन सब भगवानों को कैसे मैथोलॉजिकल करेक्टर कहते हैं? इस पे हमें आपत्ति होनी चाहिए थी शुरुआत से, और किसी से हमें कंपेरिजन नहीं करना। विदेशी आक्रांता जो यहाँ पर अपने भाव भी अपने जो भाव लेकर आए, उन्होंने जो यहाँ तहस नहस करा, उसके बाद विध्वंस मचाया, हमको तो उनसे कंपैरिजन करने की जरूरत ही नहीं है। हमें तो ये होना जी चाहिए कि हम अपनी प्रतियोगिता, हमारी अपनी प्रतियोगिता अपने से होनी चाहिए थी। हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया है, यानी कि हम अपनी भावी पीढ़ी को देके क्या जाएंगे? रोज गीता का पाठ या 2 श्लोक, रोज 4 घंटे बच्चे नहीं दे सकते हैं, लेकिन दो, जैसे दूसरे जगह पर हर हर दिन एक आयत सिखाई जाती है, हमारे जी वहां 2 श्लोक रोज के सिखाए जाने चाहिए थे। आधुनिक जीवन हम जिए, हमें जो पहनना है हम पहने, लेकिन हमारी मर्यादा हमारे हमारे संस्कारों में होनी चाहिए। वो संस्कारहीन जो हमारे लोग हो गए, वो उसमें हमें प्रॉब्लम है। हम आज के युवा युवती हैं, कोई आपत्ति नहीं। हम आज के आधुनिक रेस में हैं, कोई आपत्ति नहीं। पाश्चात्य संस्कृति और आधुनिकता में अंतर है। डेवलपमेंट अपनाते हैं, क्योंकि हमारा भारतीय संस्कृति बहुत ही डेवलप्ड है, हर चीज को अडेप्ट करती है। दुनिया ने हमसे लिया है, हमने दुनिया को दिया है, हमने दुनिया से लिया नहीं है। और जितने भी साइंटिस्ट है काम कर रहे हैं, वो सब हमारी ओर से ही काम कर रहे हैं, आधे से ज्यादा हमारे लोग हैं। तो मेरा मानना है कि हमारी संस्कृति का विस्तार प्रचार हमारे जो पुराने गुरुकुल पद्धति है वो पद्धतियों से होना चाहिए था। भाषा अंग्रेजी एक माध्यम है, जी संस्कृत से ही ये जन्म लिया है। तो ये भाषा जो है इसका ज्ञान, लोग सोचते हैं संस्कृत आएगी तो क्या होगा, आप जर्मनी में पढ़ा सकते हैं। तो हमारे जो भारत के, भारत ऐसे ही नहीं विश्व गुरु था। अगर श्री राम का डंका पूरे विश्व में बजेगा, पूरे विश्व के लोग राम को जानेंगे, क्विज कॉन्टेस्ट वगैरह में श्री राम के बारे में बताया जाएगा और इनाम भी रखे जाएंगे, तो लोग उसमें दिलचस्पी लेंगे और सनातन की ओर और झुकाव होगा। जब सनातन की ओर झुकाव होगा तो मानिएगा असल मायने में शांति का विस्तार होगा, क्योंकि सनातन से शांतिपूर्ण कोई नहीं। लेकिन सनातन ये नहीं कहता कि मूर्ख होके या शत्रु की मार खाएं। ये सनातन अगर सहनशील होना जानता है तो खाल उधेड़ना भी शत्रु की जानता है, ये ठीक हमें है मालूम होना चाहिए। तो ठीक आज है मैं बहुत गौरवान्वित हूँ और सबको बोलती हूँ जय श्री राम, जय जय श्री राम। ठीक है और राम ठीक है के साथ साध्वी प्राची हमारे जी, लौटूंगी आपके पास। साध्वी गुरु जी ममता जी महाराज भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है, महामंडलेश्वर है आपके पास आते हुए। पूरा देश इस वक्त उत्साहित है, खूबसूरती की अलग अलग तस्वीरें देश के अलग अलग कोने से निकल कर सामने आ रही है, हर कोई उत्साहित है। आप कितने उत्साहित है सबसे पहले आप अपने भाव को बताइए। जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो अभी हमारी धर्म गुरु प्राची जी ने जो कहा है, बहुत ही अच्छे शब्दों में उन्होंने स्पष्टता से रखा है जी कि हमारी जो मूलभूत शिक्षा है, जो हमने भारत तो पहले से ही विश्व गुरु था, विश्वविद्यालय नालंदा जो यूनिवर्सिटी है वो कहाँ थी? भारत में थी, जिसको जिसका सर्वनाश करने वाला कौन है? बख्तियार खिलजी कौन है जिसने हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया, जिसने हमारी सनातन संस्कृति का सर्वनाश किया? ये हमारे वो केंद्र थे जो विश्व गुरु भारत पहले से ही था। धर्म की शिक्षा दीक्षा जितनी अपने बच्चों को वेद विद्या पढ़ा करके, इसका पठन पाठन करवा करके, डॉक्टर IAS इंजीनियर वकील प्रोफेसर से लेके बड़े से बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं हमारे बच्चे, परंतु ये हम बताना भूल गए। हमारे बच्चों को वैदिक शिक्षा की आवश्यकता है, ये हम देना भूल गए हैं। हमारे बच्चों को हमारे जो कॉलेज स्कूल जो भी नाम से चलाइए, पर उनका सही शब्दों में अगर संबोधन हो तो शिक्षा मंदिर होना चाहिए। उसके आगे आपको जो लग, क्योंकि शब्द बहुत महत्वपूर्ण है प्रत्येक आपकी पहचान के लिए। और दूसरी बात, सनातन का अपना संविधान हो, जिसकी राजधानी मैं आज कह रही हूँ ये चैनल के माध्यम से जी, कि सनातन का संविधान हो और जिसकी राजधानी अवधपुरी अयोध्या हो। दूसरी बात कि हमारी जो बिटिया है अभी, जो धर्मगुरु जिन्होंने कहा कि
हमारे प्रत्येक कॉलेज में हम अपने बच्चों को सौंप देते हैं कि आप शिक्षा दीजिए। हम कभी इस चीज पर ध्यान नहीं देते कि जो शिक्षक है क्या वो हमारे बच्चों के योग्य है कि जो शिक्षा दे सकते हैं, जिन्हें धर्म की शिक्षा दीक्षा है, ज्ञान है। तो प्रत्येक कॉलेज हो, चाहे स्कूल हो, चाहे छोटे नर्सरी से, हमारे वहां पर दो धर्म गुरुओं का होना आवश्यक है। रोज का एक धर्म का पाठ कम से कम होना जरूरी है। और सनातन एक भारतीयों का देश है, सनातन का देश है, तो यहाँ पर हमें कभी बुरका, कभी ये, कभी वो, इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती। सबसे पहले तो ये बंद होना चाहिए। हमारा खून पानी हो गया, ये खून होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसके जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास ममता जी। महाराज हमारे साथ डॉक्टर बीसी शास्त्री, ज्योतिषाचार्य जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। ज्योतिषाचार्य जी आपके पास आते हुए, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर बन चुका है, रामलला उसमें विराजमान भी हो गए हैं, अब आगे क्या होने वाला है? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। प्रथम तो मैं सबसे पहले सभी समस्त धर्मावलंबियों को, समस्त देशवासियों को प्रभु श्री राम के श्री विग्रह की स्थापना की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा। पहले तो मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं, समस्त देशवासियों को। प्रभु श्री राम आज विराजमान हुए हैं। वैसे तो प्रभु श्री राम तो अयोध्या में अनादि से ही विराजमान थे, और हम सनातनी तो प्रभु श्री राम की सेवा करते ही आए हैं। प्रभु श्री राम पहले दूसरे रूप में थे, अब प्रभु श्री राम दूसरे प्रकार के रूप में विराजमान हुए हैं आज। तो जिस तरह से आज राम में पूरा हमारा देश हो रहा है, आशा करेंगे कि हमारी जो सरकार है, हमारी संस्कृति की संरक्षण इसी तरह से करती चले कि समस्त देश में प्रभु श्री राम का नारा गुंजायमान हो। जैसा हमारे अभी महामंडलेश्वर जी निवेदन कर रही थी, कह रही थी कि समस्त देश में, समस्त देश के प्रत्येक नगर में, प्रत्येक गांव में एक गुरुकुल होना चाहिए, और उसमें संस्कृत का एक पाठ होना चाहिए, और उस संस्कृत के पाठ में, पाठ के साथ में एक संस्कृत के गुरुजी नियुक्त किए जाने चाहिए, जिससे हमारी वैदिक सनातन संस्कृति सदैव चलती रहे, अग्रसर रहे। अभी आप सब लोगों ने सुना होगा कि मोदी जी जो अपना वक्तव्य दे रहे थे, उस वक्तव्य में मोदी जी संस्कृत शब्द ही बोल रहे थे। सुंदर श्लोकों का मोदी जी गायन कर रहे थे, सुंदर चौपाइयों का गायन कर रहे थे। तो निश्चय ही हमारे प्रधानमंत्री जी को भी कहीं ना कहीं से वैदिक संस्कृति थी और वैदिक संस्कृति का प्रचार था, तब हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री जी को यह शिक्षा मिल सकी, और श्रीमान जी आदरणीय प्रधानमंत्री जी सुंदर उसके माध्यम से हम सबको संबोधन कर रहे थे देशवासियों को। तो आज ऐसा लग रहा था कि निश्चय ही हमारा भारत हिंदुस्तान है, हमारा भारत आर्यवर्त है, हमारा भारत की संस्कृति सुरक्षित है। तो इस तरह से हमें सबको प्रयास करना चाहिए, यही कामना आज हम भी प्रभु श्री रामलला की स्थापना में कामना कर रहे हैं। ज्योतिषाचार्य जी, मंदिर बन चुका है, रामलला विराजमान भी हो गए हैं, लेकिन अब लोगों की मांग है कि आने वाली पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ा जाए और पाठ्यक्रम में रामायण का पाठ जोड़ा जाए, हर एक जगह पर गुरुकुल का आयोजन किया जाए, गुरुकुल बनाया जाए और वहां पर संस्कृति से जोड़ने का काम किया जाए। लौटूंगी आपके पास, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, लेकिन फिलहाल वक्त एक वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क टेनर, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन में लगातार हम ये बता रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर ना सिर्फ अयोध्या यूपी में बल्कि पूरे देश में उत्साह और उमंग का माहौल है। पूरा देश राम के रंग में रंगा हुआ है। देश भर के मंदिर खूबसूरती के साथ सजाए गए हैं। इन मंदिरों की खूबसूरती देखते ही बन रही है और देश भर के मंदिरों की अलग अलग तस्वीरें भी सामने आने लगी हैं। हमारे साथ अलग अलग जगह से सहयोगी तो जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको बता दें कि हमारे साथ साध्वी प्राची अधिकारी, हिंदू धर्म वक्ता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर बीसी शास्त्री जी हनुमानगढ़ी से, महंत विष्णु मोहन दास जी महाराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करना चाहेंगे। राघवेंद्र, जिस तरह से लगातार अयोध्या में एक उत्साह का, एक खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, अभी क्या कुछ वहां पर हलचल होती हुई नजर आ रही है?
उत्साह है और लोगों में एक जुनून है, और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो प्रभु श्री राम के अपने दर्शन करना चाहते हैं, राम मंदिर देखना चाहते हैं, और यहाँ का जो माहौल है पूरी तरह राममय है, क्योंकि हर कोई राम में लीन है। इस ठंड में, कड़कड़ाती ठंड में अयोध्या धाम में आना और दो दिन से पड़े रहना, और जब वीआईपी मूवमेंट का इंतजार कर रहे हैं लोग कि खत्म हो, और अगर हम लला राम लला का दर्शन न करते हैं तो कम से कम राम मंदिर तो जरूर देख लें। तो उत्साह की बात करें तो वास्तव में जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो तो बहुत भावुक है, और जो एक नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनमें मंदिर देखने का एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उनके लिए ऐसा लग रहा है जैसे आज किसी मेले का आयोजन हो और वो मेले को एंजॉय करने आए हो और भगवान राम को देखने आए हो। बिल्कुल, और इस बीच हमारे साथ साध्वी गुरु जी ममता जी महाराज महामंडलेश्वर भी जुड़ चुकी हैं। तो ममता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नेटवर्क 10 पर। आप ही से ये जानना चाहेंगे कि एक 500 सालों के इंतजार के बाद जो शुभ बेला आज आई है और श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य दरबार में विराजमान हो गए हैं, इस क्षण को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, किस तरह से देख रही है आज के इस आनंदमय माहौल को? आज का जो आनंदमय माहौल है, आज का जो दृश्य है जी, वो अकल्पनीय है। और सबसे पहले आपको मेरी शुभकामनाएं, हमारे सभी धर्मगुरु और संत महंतों को, सभी परमात्माओं को, सभी सनातन देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये अद्भुत पल है। इस पल के लिए तो शब्द ही नहीं है। और हमारे अभी जो थोड़ी देर पहले जो वक्तव्य दिया था हमारी प्राची बिटिया ने, जी तो धर्म गुरु हैं, और हमारे धर्म गुरु ने भी कहा था कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था जो है उसके लिए हमें अलग से गुरुकुल बनाने की आवश्यकता नहीं है, हमें अलग से कुछ करने की, सिर्फ हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें प्रत्येक कॉलेज स्कूल से लेकर के हमारे जो अध्यापक हैं, जो शिक्षा गुरु हैं, उनकी धार्मिक शिक्षा कितनी है, उन्हें धर्म के बारे में क्या ज्ञान है, ये जानना हमारे लिए जरूरी, क्योंकि जिन गुरुओं को हम अपने बच्चे सौंप देते हैं क्या वो गुरु बनने के लायक हैं? जी, महत्वपूर्ण सवाल। दूसरी बात कि प्रत्येक स्कूल कॉलेज नर्सरी कॉलेज कौन सा भी हो स्कूल, इन सभी जगह पर धर्म गुरुओं का होना अनिवार्य होना चाहिए। बिल्कुल, इससे हमारी सिर्फ जो सनातन संस्कृति है, जो संस्कृति भाषा है हमारी, इसका मूलभूत रूप से कि आज हम श्लोक पढ़ देते हैं पर जब तक हम उसका भावार्थ नहीं करेंगे, जब तक हम उसकी हिंदी में अनुवाद नहीं करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। जब व्यक्ति समझेगा नहीं तो उसका महत्व तो समझना बहुत मुश्किल है। तो हमारी वैदिक शिक्षा, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को यदि बचाना है तो हमारे संस्कार और संस्कृति, वैदिक शिक्षा का होना, मूल आधार का होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि जब तक हम अपने धर्म से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारे अंदर वीरता का आना असंभव है। सनातन वो धर्म है जो हमें सतमार्ग भी सिखाता, संस्कार भी सिखाता, संस्कृति भी सिखाता है, मर्यादा भी सिखाता है, और हमें अधर्मियों से, विधर्मियों से, असुरों से, जो मानवता को कुचलने वाले हैं, वो स्वर गाथा को भी सिखाते हैं जो उन्हें अपने पूर्वजों से मिली है, जो प्रभु राम से मिली है। राम को विलाप करते बताया गया पर राम तो बहुत वीर हैं, सूरवीर कहा गया उन्हें, वो नहीं बताया गया। बिल्कुल, और हमारे साथ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर बीसी शास्त्री जी भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो आचार्य जी, आज 84 सेकंड के सूक्ष्म मुहूर्त में और महामुहूर्त में श्री रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं, और जिस मुहूर्त में वो विराजमान हुए हैं कहा जा रहा है कि वो बेहद अलौकिक और बेहद दिव्य है, इसका ज्योतिषी महत्व क्या है ये भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिये, जिस मुहूर्त में भगवान श्री राम लला की श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा की गई है जी, तो साधारण कोई ज्योतिषी नहीं थे जिन्होंने यह मुहूर्त निकाला हो, और मुहूर्त भी वह मात्र कुछ ही क्षणों का था जी। उसी क्षण में जो सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त था, आने वाले 3 महीने के पूर्व में सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त था, उसी सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त में भगवान की श्री विग्रह की स्थापना की गई है। इससे अच्छा और कोई मुहूर्त हो नहीं सकता। इससे अच्छा तो मुहूर्त यदि हो सकता था
तो आने वाले समय में जब भगवान श्री राम का प्रागट्य दिवस श्री राम नवमी का पर्व आता है, उस राम नवमी के पर्व ही में ही भगवान का श्री विग्रह की स्थापना हो सकती थी। एक वही सुंदर मुहूर्त था, या आज के मुहूर्त में जो भगवान की सुंदर विग्रह की स्थापना की गई है, अति दिव्य तथा ज्योतिष शास्त्र के अनुसार। और निश्चय ही इतने सुंदर में, इतने सुंदर अच्छे मुहूर्त में किया गया देवालय का प्राण प्रतिष्ठा, श्री विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा निश्चित ही समस्त देश के लिए, समस्त विश्व के लिए कल्याणकारी होगा। और भगवान श्री राम के श्री विग्रह का दर्शन करके समस्त धर्मावलंबी निश्चय ही अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे, क्योंकि मुहूर्त का विशेष महत्व होता है और मुहूर्त के महत्व के अनुसार ही उसमें, उस मूर्ति में, उस विग्रह में देवत्व प्रकट होता है मंत्रों के माध्यम से। आचार्यों ने जितने सुंदर ढंग से मंत्रों के द्वारा विग्रह की स्थापना कराई है, क्योंकि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, क्योंकि ये जो देवता है वह मंत्रों के अधीन है, मंत्रों के द्वारा ही देवताओं का आवाहन होता है। और हमारे सनातन संस्कृति में तो देवताओं का आवाहन एक सुपाड़ी में भी किया जाता है। तो देवता मंत्रों के अधीन होकर उस विग्रह में स्थापित तो होते हैं, और दैवाधीनम जगत सर्वम, और देवताओं के अधीन यह संपूर्ण सृष्टि है, संपूर्ण जगत है। तो सुंदर सही मुहूर्त में किया गया मंत्र का उच्चारण, सुंदर सही मुहूर्त में किया गया प्राण प्रतिष्ठा उसी तरह से प्रफुल्लित और हरी भरी होती है जिस तरह से एक सुंदर ऋतु आने पर एक बीज लगाते हैं किसान, और वे बीज उर्वरक शक्ति के माध्यम से, ऋतु के माध्यम से सुंदर वे बीज हरा भरा वृक्ष के रूप में तैयार हो जाता है, और वह हरा भरा वृक्ष सुंदर सुंदर पत्तियों से, सुंदर फलों से सुसज्जित तो होता है। उसी तरह से मुहूर्त और मंत्र की शक्ति होती है, और निश्चय ही बहुत ही दिव्य मुहूर्त में भगवान की श्री विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इससे अच्छा और कोई मुहूर्त हो नहीं सकता, तो निश्चय ही हम सबके लिए कल्याणकारी है ऐसा मुहूर्त और ऐसी प्राण प्रतिष्ठा। और जनकपुर के हनुमानगढ़ी से हमारे साथ महान विष्णु मोहन दास जी महाराज जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी रुख करना चाहेंगे। तो सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत जय श्री राम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और महंत जी, जिस तरह से आज अयोध्या में राम राज्य की वापसी हो चुकी है, रामलला की सरकार दोबारा से बन चुकी है अयोध्या में, श्री रामलला अपने दिव्य और भव्य दरबार में विराजमान हो चुके हैं, आज के आनंद को लेकर जनकपुर में कितना ज्यादा उत्साह? पूरे भारतवर्ष में और पूरे नेपाल में, पूरे विश्व में जो है आज रामलला का उत्सव जो है बहुत खुशी से, बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है जी। और अयोध्या में तो है ही खुशी, चूंकि अयोध्या में रामलला का मंदिर है और जानकी जी की नहिरा हुई जनकपुर, तो वहाँ यहाँ अयोध्या से भी ज्यादा खुशी में वहाँ घर घर जो है दीप जलाया जा रहा है, माता बहनों जो है गाना गा गा के जो है सब जगह अपना जो है कीर्तन भजन सब कर रहे हैं। पूरे विश्व में जो है ये रामलला का आज का दिन जो है बहुत खुशी से, पूरे धूमधाम से मनाया जाता है। और यही लेके हम लोग चाह रहे हैं कि इसको राम उत्सव, जैसे रामनवमी रामनवमी मनाया जाता है, दीपावली मनाया जाता है, तो 22 जनवरी को जो है राम उत्सव मनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी इसको छुट्टी घोषित करे, राष्ट्रीय छुट्टी घोषित करे, जो हमारे जितने भी हिंदू भाई लोग हैं, माता एवं बहनों, जो अपने घर में 22 जनवरी को जो है जो राम उत्सव मनावे। बिल्कुल। और हमारे साथ हिंदू धर्म वक्ता साध्वी प्राची अधिकारी जी भी जुड़ी हुई हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। तो साध्वी प्राची, आज बहुत ही खुशी का माहौल है, मतलब 500 सालों का इंतजार आज जाके खत्म हुआ है, जिसके लिए पता नहीं कितने लोगों ने अपना बलिदान दिया, अपने प्राणों की आहुति दी। तो आज इतने लंबे इंतजार के बाद जो शुभ बेला आई है, उसके बाद साधु संतों में कितना ज्यादा उत्साह।
मुझे लगता है कि समूचा विश्व, समूचा देश ही नहीं, समूचा विश्व राममय है। और ये बहुत ही गौरव भरी अनुभूति है और साथ ही एक पुरुषार्थ का भी अनुभव हो रहा है हमें। हम जहाँ शालीन तरीके से इस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने, भले ही हमें दूर से देखा या पास से देखा, ये महत्व नहीं है। महत्व ये है कि काज हुआ, कार्य हुआ, संपन्न हुआ, अच्छे से हुआ, और ये कार्य चलते रहना चाहिए। रोज राम हम में प्राण प्राण प्रतिष्ठित करें, रोज हम राम में, आज हमने श्री राम लला के बाल रूप में प्राण प्रतिष्ठित करें, उनकी मूर्ति स्वरूप में। लेकिन राम, जैसे मैंने अभी लिखा है, राम सदा से थे, सर्वदा ही रहेंगे, हम जी रहे ना रहे, राम थे, राम है, राम ही रहेंगे। ये मैंने अभी लिखा और मुझे जी लगता है ये मेरे मन के भाव हैं। और कोई भी भाव शब्दों में, कोई अगर पवित्र भाव आपके मन में होते हैं और जब आप एक भक्त के रूप में, एक साधक के रूप में ईश्वर को याद करते हैं, या अपने ईश को याद करते हैं, या किसी किसी भी ऐसी सुपर नेचुरल पावर को याद करते हैं, तो उसके लिए शब्द भले ही कम पड़ जाए, लेकिन भाव कभी कम नहीं पड़ते। जो अनुभूति हमें आज एक प्रत्येक सनातनी को, जो अपने आप को इससे जुड़ा हुआ, इस भूमि से, इस धरा से जुड़ा हुआ मानता है, क्योंकि भारत की धरा केवल इस भौगोलिक भारत में नहीं है, भारत तो बहुत बड़ा था, अखंड था, यहां से लेके ऑस्ट्रेलिया तक था, पता नहीं कहाँ कहाँ तक था। हम तो टूटते रहे, खंडित होते रहे, कभी प्राकृतिक आपदाओं से, कभी अपने खुद के कर्मों से जो हमने गवाया, लेकिन भारत बहुत बड़ा है। जहां जहां भी भारत का कण कण है, पूरा विश्व हमसे राज हम हमसे 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 हम पूरे विश्व में प्राण आए हैं। जैसे आज प्राण प्रतिष्ठित में मूर्ति में, समूचे विश्व में हमसे आज प्राण आए हैं, हमसे हमेशा से प्राण आए हैं, हमारे राम से प्राण आए हैं। जहां जहां जाते हैं, चाहे बिल्कुल रामेश्वरम जाए, चाहे श्रीलंका जाए, बिल्कुल हर जगह सागरी राम जी, के तो चिन्ह होते बहुत ही हैं। ज्यादा उत्साह का माहौल है, उमंग से भरा हुआ है अयोध्या और पूरा विश्व, ना केवल अयोध्या में बल्कि संपूर्ण विश्व में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काफी ज्यादा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। तो श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या और यूपी में ही नहीं बल्कि देश और दुनिया में आप काफी काफी ज्यादा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है, और अयोध्या में अब दीपोत्सव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।